अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी पहली वीडियोस देखी, उनको लाइक किया, सब्सक्राइब किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आने वाली वीडियोस को भी आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर करेंगे। हमारा टॉपिक अगर आप देखें, पिछले 2 लेक्चर से हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पार्टनरशिप, जिसमें हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी थी, काइंड ऑफ पार्टनर पढ़ा था, और उसके बाद हमने पार्टनरशिप अकाउंट की उसमें एक बुक्स में उसकी क्या एंट्रीज होती हैं, हमने उसको डिस्कस किया था। उसी को लेके हम आगे चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमने किया था कि जब पार्टनरशिप की फॉर्मेशन होती है तो एडमिशन के टाइम, फॉर्मेशन के टाइम पे हम कौन कौन सी एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हमने कहा था इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, कि अगर प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो पार्टनर में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब हमारा सेकेंड स्टेप है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है। आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कि जब न्यू पार्टनर एडमिशन होगा या न्यू पार्टनर बिजनेस को ज्वाइन करेगा तो अकाउंटिंग की बुक में क्या ट्रीटमेंट्स होंगी या क्या एंट्रीज होंगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या है, कैसे इंटर होगा, गुडविल क्या होती है, मेथड यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल को कैलकुलेट करने के हम मेथड देखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और गुडविल की ट्रीटमेंट कैसी होगी बुक्स ऑफ अकाउंट में, एंड सेक्रीफाइस रेशो, और सेक्रीफाइस रेशो क्या होती है। वो तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो पार्टनर एक्टिव पार्टनर होगा, जो वर्किंग पार्टनर होगा, हम उसको ज़्यादा गुडविल का शेयर पे करते हैं, और जो स्लीपिंग पार्टनर होगा या एक्टिव पार्टनर नहीं होगा या वर्किंग पार्टनर नहीं होगा, हम उसको गुडविल का कम शेयर पे करेंगे। तो सेक्रीफाइस मीन जो जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगा हम उसको उतना ज़्यादा गुडविल का पार्ट पे करेंगे, शेयर पे करेंगे, और जिसका वर्किंग जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम होगी, जिसकी सेक्रीफिकेशन कम होगी, उसको हम कम पे करेंगे। तो जितना सेक्रीफाइस जो ज़्यादा करेगा हम उसको उतना ज़्यादा शेयर पे करेंगे, और जितना जो सेक्रीफाइस कम करेगा हम उसको उतना कम पे करेंगे। तो सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करने का मेथड भी हम देखेंगे, प्रोसीजर भी देखेंगे कि सेक्रीफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि गुडविल की जितनी अमाउंट होगी वो सेक्रीफाइस रेशो से ही ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये याद रखिएगा कि गुडविल की अमाउंट जो जितनी भी अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे वो सेक्रीफाइस रेशो से ओल्ड पार्टनर में तकसीम होती है या डिवाइड होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो सेक्रीफाइस रेशो मीन जो पार्टनर जितना ज़्यादा वर्किंग करेगा, जितनी ज़्यादा उसने मेहनत की होगी उतना उसको ज़्यादा शेयर मिलेगा, और जिसने कम मेहनत की होगी उसको कम शेयर मिलेगा। तो उसकी कैलकुलेशन का अपना एक मेथड है, हम उसी मेथड से हम इसको अब सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या है। When a new partner joins a running business as a partner, it's called admission of new partner. जब भी कोई partner, अगर ऑलरेडी partnership का business कोई चल रहा है जिसमें 2 partners हैं या 3 partner हैं, और उसमें एक new partner आना चाहता है, तो जब new partner जो आना आएगा business में या business को join करेगा, हम उसको admission of new partner कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा बिज़नेस 2 ईयर्स या 3 ईयर्स से चल रहा था, उसमें 2 partners थे, अब एक new partner आना चाहता है, तो हमारे 3 partners हो जाएंगे। जो न्यू पार्टनर आएगा तो हम उसको कहते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कि अब ये हमारा, पहले बिज़नेस में हम 2 पार्टनर थे, अब हमारे पास बिज़नेस में 3 पार्टनर्स हो चुके हैं। तो देखिए, जो न्यू पार्टनर आ रहा होगा तो हम उसको कहते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, क्योंकि वो रनिंग बिज़नेस में आ रहा है। तो जब रनिंग बिज़नेस में आ रहा होगा तो हम उसको, हमने ऑलरेडी उस बिज़नेस को डेवलप किया होगा, उसकी रेपुटेशन बिज़नेस मार्केट में हमने इंक्रीज़ की होगी, तो हम उसको नाम देंगे गुडविल का, क्योंकि वो हमें गुडविल भी पे करेगा। कैसे पे करेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, ए और बी 2 पार्टनर थे, उन्होंने 20,000 कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था और बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो 2 ईयर जब हो गए, आपके गुजर गए, आपने बिज़नेस को डिवेलप कर लिया, अब जब न्यू पार्टनर आएगा तो वो 20,000 कैपिटल पे नहीं करेगा। हम उसको कहेंगे जी हमने इस बिज़नेस का नाम बनाया है, हमने इसकी रेपुटेशन बनाई है, हम इसकी एक्स्ट्रा पैसे आपसे लेंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे, अब इसकी एक्स्ट्रा वैल्यू आपसे हम चार्ज करेंगे, एक्स्ट्रा पेमेंट चार्ज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल 20,000 वो कहते हैं ठीक है, मैं आपकी इक्वल कैपिटल 20,000 देता हूँ, और गुडविल का शेयर भी मैं आपको 6,000 रुपीज़ पे करता हूँ। तो इट्स मीन ये जो 6,000 एक्स्ट्रा पे कर रहा है, ये वो बिज़नेस की रेपुटेशन है जो आज तक 2 ईयर्स में बिज़नेस के पार्टनर बना चुके हैं। तो टोटल बिज़नेस को 26,000 पे करेगा, जिसमें 20,000 उसका कैपिटल होगा और 6,000 जो है वो उसका गुडविल होगा। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहा है वो गुडविल के नेम से पे करेगा। तो अब देखें गुडविल की डेफिनेशन हम देखते हैं। गुडविल इन पार्टनरशिप, बाय गुडविल वी मीन द वैल्यू अटैच विद द रेपुटेशन ऑफ बिज़नेस। जैसा कि मैंने बताया, बिज़नेस की रेपुटेशन होती है, बिज़नेस का नेम होता है जो मार्केट में आप उसका बना चुके होते हैं। When a new partner wish to join a running business as a partner, it is responsible that existing partner should charge the new partner a sum over and above
द अमाउंट ऑफ कैपिटल, जैसे कि मैं बता चुका कि ओवर एंड अबव द अमाउंट, कि कैपिटल से एक्स्ट्रा आप उससे अमाउंट चार्ज करते हैं, हम उसी को गुडविल का नेम देते हैं। ही डिजायर टू पुट इन फॉर गिविंग हिम अ शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म, दिस एक्सेस पेमेंट इज कॉल्ड गुडविल, गुडविल इज अ इनटेंजिबल एसेट ऑफ द बिजनेस। ये देखें, हम कहते हैं कि जैसा कि पहले बताया कि गुडविल क्या होता है, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, और जब न्यू पार्टनर आ रहा होता है तो हम उसको कहते हैं जी आप बिल्कुल कैपिटल पे करेंगे, लेकिन कैपिटल के साथ साथ आपने एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है, जो एक्स्ट्रा पेमेंट पे करेगा हम उसको गुडविल का नेम देते हैं। और ये जो गुडविल पे करेगा ये क्या है, हमने कहा कि ही डिजायर टू पुट इन फॉर गिविंग हिम अ शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड ऑफ द फर्म, तो हम उसको प्रॉफिट ऑफ द फर्म कहते हैं। डिज़ायर, उसकी जो डिज़ायर होती है, ख्वाहिशात होती हैं, उसके मुताबिक द एक्सेस अमाउंट जो वो पे कर रहा है, कैपिटल के अलावा जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम उससे ले रहे हैं वो गुडविल है, तो उसके बारे में हमने कहा गुडविल इज इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, वो हमारे इनटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, कॉपीराइट, हम पढ़ चुके थे कि ये आपके बिजनेस के इनटेंजिबल एसेट्स हैं, जो ना दिखाई देते हैं ना आप इसको छू सकते हैं। तो देखिए, गुडविल आपने कहा कि पार्टनर की पेमेंट का वो हिस्सा जो वो कैपिटल के अलावा पे करता है बिजनेस की रेपुटेशन के लिए, क्योंकि बिजनेस अपना नाम बना चुका होता है, तो उस बिजनेस के नेम की वजह से जो बिजनेस में कैपिटल के अलावा एक्स्ट्रा मनी या अबव मनी पे करता है या ओवर मनी पे करता है, हम उसको गुडविल का नेम देते हैं। तो ये था आपका गुडविल, के गुडविल किसे कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल कैलकुलेट कैसे की जाती है, हमें कैसे पता चलेगा कि गुडविल कितनी है इस बिज़नेस की। वैसे तो गुडविल कैलकुलेट करने का कोई ख़ास मेथड नहीं है, लेकिन हमें कुछ एक्सपर्ट्स ने डिफरेंट मेथड दिए हैं, हम उसी को लेकर आगे चलते हैं। देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म, हाउएवर द एक्सपर्ट्स हैव रिकमेंडेड द फॉलोइंग मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म मीन कि आपने को आपके पास गुडविल कैलकुलेट करने का कोई ऐसा मेथड नहीं है, लेकिन जो अकाउंटिंग के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कुछ हमें एक्सपर्ट्स ने रिकमेंडेशन की हैं या रिकमेंड किए हैं हमारे लिए कुछ मेथड, कि ये मेथड्स फॉलो करके आप अपनी गुडविल फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट हम आते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। जैसा कि आपको पता चल रहा है एवरेज प्रॉफिट, तो इट्स मीन कि एवरेज जितने ईयर्स में आपने प्रॉफिट अर्न किया होता है, फॉर एग्जांपल आपका 2 ईयर्स का बिजनेस है, 3 ईयर का बिजनेस है, 4 ईयर का बिजनेस है, 5 ईयर का या 10 ईयर्स का, तो जितना भी 10 ईयर्स में आपको प्रॉफिट हुआ होगा, या अगर 5 ईयर्स का बिजनेस तो 5 ईयर्स में प्रॉफिट हुआ होगा, आप उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे कि आपका टोटल प्रॉफिट 5 ईयर्स का इतना है, डिवाइडेड बाई 5 जब उसको करेंगे तो पर ईयर आपके पास पर प्रॉफिट आ जाता है, उसी को हम परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं, ईयर्स ऑफ परचेजेस से मल्टीप्लाई कर देते, तो आपका एवरेज गुडविल का सेम आप गुडविल कैलकुलेट करते। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑफ द फ्यू ईयर्स इज एवरेज्ड देयर, दिस एवरेज इज मल्टीप्लाइड बाय सर्टेन नंबर ऑफ परचेज ईयर। आप डिफरेंट परचेज ईयर्स की भी ले लेते हैं कि ये हमारे परचेज ईयर्स हैं, और आप उसके साथ क्या कहते हैं एज एग्रीड, फॉर एग्जांपल एग्रीड मींस कि आप उससे एग्री हो जाते हैं कि हमारे इतने प्रॉफिट्स के ईयर होंगे और ये परचेजेस जिन जिन ईयर में हमने किए ये वो ईयर्स हैं जिसमें परचेजेस आपने जितनी की हुई है। तो अब आप देखें, आपने कहा कि प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर, हम कहते हैं कि हमारा बिजनेस 5 ईयर्स से चल रहा है या रन कर रहा है। फर्स्ट ईयर में हमारा प्रॉफिट था 8,000, सेकेंड ईयर में 10,000, फिर हमारा 7,000, फिर हमारा है 12,000, और फिर हमारा है 13,000, तो टोटल 5 ईयर्स का आपका प्रॉफिट आ गया 50,000। तो 50,000 तो आपने देखें डिफरेंट ईयर में डिफरेंट प्रॉफिट थे, फर्स्ट ईयर में 8,000, सेकेंड में 10,000, थर्ड में 7,000, फोर्थ में 12,000 एंड फिफ्थ में 13,000, तो टोटल आपका 50,000 आपका टोटल कैपिटल आ गया। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 पे आपने डिवाइड किया तो पर ईयर आपका प्रॉफिट कितना आ जाता है 10,000, तो ये 10,000 आपका प्रॉफिट आ गया। ईयर ऑफ परचेजेस आपके कितने आपने एग्रीड हुए थे 3 ईयर्स के साथ, तो आपने कहा 10,000, और गुडविल हम फाइंड करते हैं 10,000 आपका एवरेज प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 30,000 आपने गुडविल कैलकुलेट कर लिए एवरेज मेथड से। एवरेज मेथड का फार्मूला दोबारा देख लें, टोटल जितने ईयर्स का आपको गिवन होता है, वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में आप प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हैं कि वहाँ पे भी आप परचेज ईयर को और इसी तरह प्रॉफिट को देखते हैं। अगर आप बुक में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको 5 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन होगा या 3 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन होगा या 4 ईयर्स का, और नंबर ऑफ परचेजेस भी गिवन होंगे, तो आपने प्रॉफिट को प्लस करना है और जितने आपको ईयर का प्रॉफिट गिवन है उसको नंबर ऑफ ईयर्स पर डिवाइड कर देना है।
तो देखें जैसे हमें 5 ईयर्स का प्रॉफिट डिफरेंट गिवन था 8000, 10000, 7000, 12000, 13000, हमने इसको ऐड किया तो 50000 आपके पास प्रॉफिट आ गया। 5 पर आपने इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ईयर्स पे, तो 10000 आपका ईच ईयर का एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। इट्स मीन आपका एवरेज प्रॉफिट पर ईयर कितना है 10000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं 3, तो 10000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 30000 आपने एवरेज मेथड से गुडविल कैलकुलेट कर लिया। तो ये फर्स्ट मेथड था गुडविल को कैलकुलेट करने का, एवरेज मेथड, जिससे हमने कहा गुडविल हमारी कितनी है 30000। हम सेकंड मेथड की तरफ जाते हैं, तो अगर आप सेकंड मेथड ऑफ गुडविल देखें तो वो आपका है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है, देखिए हम सुपर प्रॉफिट मेथड देख लेते हैं कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ है, हम उसको सुपर प्रॉफिट का एक को नाम दे देते हैं, और सुपर प्रॉफिट से हम क्या करते हैं आगे चल के हम उसको कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से। हम अब उसको देखते हैं कि सुपर प्रॉफिट से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सुपर प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड विद सर्टेन नंबर ऑफ परचेज, ईयर ऑफ परचेज, जैसे कि हमें वहाँ भी गिवन था ईयर ऑफ परचेज, फॉर एग्जाम्पल 3 ईयर है। द सुपर प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड बाई डिडक्टिंग द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रिजनेबल सैलरी फॉर द पार्टनर फ्रॉम द एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ देखें, हमने ये कहा कि आपने सैलरीज और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद आप कहते हैं आप उसके पार्टनर्स का जितना भी एवरेज प्रॉफिट होता है हम उसको ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको एग्ज़ाम्पल देखें तो क्या कहा, कैपिटल इम्प्लाइड 80000, जो हमारे नेट एसेट्स भी होते हैं, 80000 हमारे कैपिटल है, ये कैपिटल इम्प्लाइड है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा कितना है 5%, हमारा रेट ऑफ़ रिटर्न कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट ऑफ़ रिटर्न, हम कहते हैं हमें कितना रिटर्न होगा 5%, हमें रेट ऑफ़ रिटर्न भी क्वेश्चन में गिवन होता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में गिवन होगा, कैपिटल इम्प्लाइड भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। तो जब क्वेश्चन में आपको गिवन होगा तो आपने क्या करना है, 80000 आपको गिवन है डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 5% कैलकुलेट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 4000 आपका आ जाता है। अब आपने सुपर प्रॉफिट के लिए क्या करना है, आपके पास सुपर प्रॉफिट गिवन होगा 10000 माइनस 4000 इज इक्वल टू 6000 आपका सुपर प्रॉफिट आ जाता है। कि आपने कहा सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करना है, 10000 आपका प्रॉफिट था, माइनस आपने देखें जो नॉर्मल रिटर्न था वो उससे माइनस कर दिया, तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना आ गया 6000। परचेज ईयर्स कितने थे 3, गुडविल ऑफ द फर्म आपने कहा कितना हो गया 6000 आपका सुपर प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय 3 आपने परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 18000 आपका गुडविल आ जाता है। तो ये देखें यहाँ पर आपने सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करी जो कि 18000 है। तो सिंपल है इसका फार्मूला, कैपिटल इम्प्लाइड भी आपको गिवन होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में गिवन होता है, तो 80000 आपको कैपिटल इम्प्लाइड है मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, तो 80000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5 4000 आ गया। सुपर प्रॉफिट आपने फाइंड करना है 10000 माइनस 4000 इज इक्वल टू 6000, तो परचेज ईयर आपके 3 आ गए, गुडविल ऑफ द फर्म कितना आ गया 6000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 18000। इसके बाद नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं, नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है, नेक्स्ट मेथड अगर आप देखें तो नेक्स्ट मेथड आपका है कैपिटलाइजेशन मेथड के अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ होल बिजनेस इज कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। इस फार्मूला से हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो एक्चुअल गुडविल कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल इम्प्लाइड। तो देखें वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल इम्प्लाइड, कैपिटल इम्प्लाइड तो आपने कहा आपके नेट एसेट्स हैं, वो आपके पास आपको कैलकुलेट हो जाता है, क्वेश्चन में गिवन होता है कि ये आपका कैपिटल इम्प्लाइड है। हमने वैल्यू ऑफ बिजनेस कैलकुलेट करनी है, वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखें एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आया था, आपने कहा था 10000, जैसा कि लास्ट भी हमने कहा कि देखें हमने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए भी कहा कि एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना था 10000, तो 10000 से हमने माइनस 4000 किया था, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था 6000 हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया था। तो एवरेज जो प्रॉफिट है आपने उसी से सारा कैलकुलेट करना है, और एवरेज प्रॉफिट हमने किस में कैलकुलेट किया था, एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था जब हम फाइंड कर रहे थे एवरेज मेथड। तो एवरेज मेथड में हमने कहा था कि एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया है 10000। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त भी आपने देखें यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट से आपने 4000 जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था माइनस किया, तो आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया। सेम इसी तरह हम जिसको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वैल्यू ऑफ बिजनेस फाइंड करना है, तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है 10000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास 2 लाख क्या आ जाता है, ये आपके पास वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाती है कि हमारी वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी है 2 लाख।
हमने फार्मूला का क्या पढ़ा था, वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल इम्प्लाइड, तो 2 लाख आपकी वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गई, कैपिटल इम्प्लाइड आपका क्या है माइनस 80,000 आपका है, तो 80,000 माइनस करेंगे तो 1,20,000 आपका क्या आ जाता है, गुडविल आ जाता है। तो देखें सिंपल मेथड है, आपने वैल्यू ऑफ बिजनेस पहले फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ बिजनेस फाइंड करने का फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट, सेम एवरेज प्रॉफिट उसी तरह कैलकुलेट करना है, टोटल प्रॉफिट जितने ईयर्स का है आपने उसको ऐड करना है, नंबर ऑफ ईयर पे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन होता है उस पर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाती है। तो देखें नॉर्मल रेट हम पढ़ चुके थे कि 5% है, तो ये 2 लाख आपकी वैल्यू ऑफ बिजनेस थी, उसमें से आपने कैपिटल इंप्लाइड लेस कर दी तो आपके पास 1,20,000 क्या आ जाता है, ये आपका गुडविल आ जाता है। इसके बाद हम ये हमारे 3 मेथड्स थे जिससे हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते थे। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो हमारा है वो आपके पास आ जाता है जो ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करना है। तो देखिए हमने गुडविल तो कैलकुलेट कर लेते हैं लेकिन इसके 4 आगे स्टेप्स हैं अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने के, कैसे हैं। फर्स्ट हम देखते हैं गुडविल इज पेड इन कैश एंड अलाउड टू रिटेन इन बिजनेस, बिजनेस में ही गुडविल पड़ा हुआ है, हमने रिटेन किया हुआ है अभी तक, उनको पे नहीं किया पार्टनर्स को, लेकिन बिजनेस में गुडविल आ चुका है, न्यू पार्टनर जब आया तो हमें गुडविल पे कर रहा है, तो बिजनेस में कैश आ रही होगी और गुडविल के नेम की वजह से आ रही है, तो गुडविल क्रेडिट और कैश डेबिट। कैश क्यों डेबिट, के कैश बिजनेस का एसेट है, बिजनेस का डेबिट है, और गुडविल क्यों क्रेडिट, के गुडविल भी अगर आप देखें तो बिजनेस का एक आपका इंटेंजिबल एसेट्स है, गुडविल भी बिजनेस का इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। लेकिन एक तरफ आपका कैश ज़्यादा हो रहा है और दूसरा ये जो है ये आपकी गुडविल, आपने जो पार्टनर्स की ये है जो ये गुडविल है ये आपको न्यू आने वाला पार्टनर पे कर रहा है और ये पार्टनर में आपने डिवाइड करना है, तो जब आपने डिवाइड करना है तो आपने पे करना है इसको, तो आपने इसको क्रेडिट कर दिया कि गुडविल आपने इसको पार्टनर्स को पे करना है। तो गुडविल को देखें जब आपने पे किया तो यहाँ आपने उसको क्रेडिट कर दिया, और इसमें देखें यहाँ पर अगर आप देखें क्रेडिट है गुडविल क्रेडिट, कैश डेबिट के कैश आपके आ चुका है, किस नेम से आया है, गुडविल की वजह से आया है, तो गुडविल को आपने क्रेडिट कर दिया। तो सेकंड आपने गुडविल को डेबिट किया ख़त्म करने के लिए, गुडविल यहाँ पे डेबिट हो गया और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, और ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट हो गया है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला गया है। तो पार्टनर्स हमेशा जो है पार्टनर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, जैसे कि हम बता चुके थे कि पार्टनर्स के अकाउंट या कैपिटल अकाउंट अगर सोल प्रोप्राइटर में हम उसको कैपिटल कहते हैं, पार्टनर्स जब होते हैं तो उसको हम पार्टनर्स कैपिटल कहते हैं, कि गुडविल है जो दोनों जो पार्टनर्स हैं उनमें हम डिवाइड कर देंगे। देखिए गुडविल डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स, जो ओल्ड पार्टनर है ए और बी अगर है तो ए में भी जो उसकी रेशियो की होगी उसके मुताबिक सेक्रीफाइस रेशियोज के मुताबिक तकसीम हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, और बी को भी उसकी सेक्रीफाइस रेशियो के मुताबिक उसको उसका शेयर मिल जाएगा। तो देखें कैश को आपने डेबिट करना है और गुडविल को आपने क्रेडिट करना है, और फिर गुडविल को ख़त्म करने के लिए आपने डेबिट किया और पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया है। गुडविल बिजनेस का तो एसेट है, ये तो आपको पता है बिजनेस के लिए गुडविल एसेट है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं, क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, कि आपने बिजनेस के अब वो कैश रिसीव कर ली है, जब आपने कैश रिसीव कर ली तो आपका कैश आपके पास आ चुकी है, अब ये आपने पार्टनर्स को पे करना है, तो एक तरह आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो उसको आपने ख़त्म करने के लिए क्रेडिट कर दिया, कि आपकी एक तरह लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है कि जो गुडविल है ये आपके बिजनेस की नहीं है, ये आपने अपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है या पार्टनर में डिवाइड करना है। यहाँ आके हमने उसको डेबिट करके लाइबिलिटी को कम कर दिया कि ख़त्म हो गया, क्यों ख़त्म हो गया, कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जा चुका है। अगर हम इसकी सिंपल एंट्री देखें तो गुडविल क्रेडिट था, गुडविल डेबिट हुआ, गुडविल ख़त्म हो गया, आपके पास सिंपल एंट्री रह जाएगी कैश डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, इट मीन कि यही पार्टनर के कैपिटल का हिस्सा होता है, ये कैपिटल का पार्ट है ओल्ड पार्टनर का, तो ये ओल्ड पार्टनर को ही मिलेगा। तो देखें यहाँ पर गुडविल क्रेडिट था, यहाँ पर डेबिट हुआ, तो ये दोनों रिवर्स होकर ख़त्म हो गए, आपके पास एंट्री रह जाती है कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। तो देखिए ये गुडविल जब आपके पास पेड इन कैश होगा, जब कैश आ रही है तो आपने कहा कैश बिजनेस में आ गई, किस वजह से आई, गुडविल की वजह से, और यही गुडविल हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। इसके बाद अगर हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, कि सेकंड अगर हो तो फिर क्या होता है, ये तो आपका फर्स्ट था, तो सेकंड में हम कहते हैं अगर आप देखें तो था गुडविल पेड इन कैश एंड विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। अब यहाँ देखें कि बिजनेस में गुडविल आ गई, हमने पार्टनर्स के अकॉर्डिंग टू सेक्रीफाइस रेशो उनमें डिवाइड भी कर दी, अब वो पार्टनर गुडविल का अपना पार्ट निकाल भी रहे हैं, इट्स मीन ड्राइंग भी कर रहे हैं,
तो देखें आपने फर्स्ट तो वही एंट्री की जो फर्स्ट की थी कि बिजनेस में गुडविल आई क्या है, डेबिट गुडविल क्रेडिट, पार्टनर्स के अकाउंट में आपने डिवाइड की, गुड्स विल डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, गुडविल को आपने डेबिट किया और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट किया। अब जो ये एंट्री है गुडविल पेड इन कैश विदड्रॉन बाय द, तो इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ ये एंट्री पास करेंगे क्योंकि ये एंट्रीज आप ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में रिकॉर्ड कर चुके हैं। यहाँ देखें तो ये एंट्री आप रिकॉर्ड कर चुके हैं कि क्या डेबिट गुडविल क्रेडिट, गुडविल डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये आप उसमें डिवाइड कर चुके हैं। लेकिन अब आपने जब विड्रॉ कर रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे और बिजनेस से कैश जा रहा है तो कैश को आपने क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि आपने यहाँ पर ड्राइंग को डेबिट क्यों नहीं किया, क्योंकि जब ओनर विड्रॉ करता है तो हम ड्राइंग को डेबिट करते हैं, लेकिन ओनर यहाँ पे अपने कैपिटल से डिवाइड जो है वो ड्राइंग नहीं कर रहा बल्कि वो शेयर ऑफ गुडविल विड्रॉ कर रहा है। तो शेयर ऑफ गुडविल जब विड्रॉ कर रहा है तो वो पार्टनर कैपिटल में हम ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुके थे, उनको कैपिटल में दे चुके थे कि इनके कैपिटल का पार्ट है, इसलिए हमने कैपिटल को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर डेबिट किया है कि पार्टनर्स कैपिटल डेबिट और कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। तो देखें कैश बिजनेस से जा रहा है, बिजनेस का एसेट है, आप उसको क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल में जो आप इनके शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे, फॉर एग्जांपल ए और बी थे हो, तो ए और बी को दोनों को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर भी आपने गुडविल को डेबिट किया था, दो पार्टनर थे ए और बी, तो ए और बी को क्रेडिट करेंगे, तो जो जिस अमाउंट से वो यहाँ पर क्रेडिट हुए होंगे उसी अमाउंट से यहाँ पर दोनों वो डेबिट हो जाएंगे और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आपका था सेकंड मेथड कि गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। अब एक तीसरी चीज़ है गुडविल रेज्ड, गुडविल इज रेज्ड। हम कहते हैं कि अभी गुडविल हमारे पास आ नहीं रहा कैश की सूरत में, हम सिर्फ गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं कि गुडविल हमारी कितना बनता है या कितना है हमारी बिजनेस का। तो यहाँ देखें गुडविल इज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेज्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं कि बिजनेस का गुडविल कितना है। तो गुडविल आपका एसेट है जैसे कि मैं बता चुका इंटेंजिबल, तो गुडविल आपका डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल आपने क्रेडिट कर दिए कि ये जो गुडविल है ये पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये गुडविल हमेशा ओल्ड पार्टनर में डिवाइड होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो गुडविल को आपने डेबिट कर दिया और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। सिर्फ जब रेज्ड और होगा, जब कैश आ रहा होगा तो कैश में आपने कहा कि कैश डेबिट गुडविल क्रेडिट, अभी कैश में नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपने कहा गुडविल डेबिट क्योंकि हमारा एसेट है, इनटेंजिबल एसेट है, डेबिट और पार्टनर्स को कैपिटल को आपने क्रेडिट कर दिया। इसी तरह गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, अब गुडविल हम रिटन ऑफ मीन कि पार्टनर्स के कैपिटल में जो है वो हम उसको रिटन ऑफ भी कर रहे हैं, तो जब रिटन ऑफ कर रहे हैं तो हमने गुडविल डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर दिया था। और इसी तरह जब हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं तो उसको रिवर्स करेंगे क्योंकि उसको ख़त्म कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, तो आपने पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करके गुडविल को क्रेडिट कर दिया, इसकी काउंटर एंट्री पास करी, रिवर्स एंट्री पास करके आपने यहाँ पर आके गुडविल को ख़त्म कर दिया है कि जो रेज्ड हुआ था अब हम उसको उस रेज्ड को रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। तो जब रिटर्न ऑफ कर रहे हो तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और गुडविल को क्रेडिट करेंगे, सेम जो एंट्री आपने ये रिकॉर्ड की होगी इस एंट्री को आप रिवर्स कर देंगे या इसकी काउंटर एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हमने कहा था सेक्रीफाइस रेशो कि जब भी गुडविल डिवाइड होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है अमंग द पार्टनर, वो आपकी सेक्रीफाइस रेशो से होती है। सेक्रीफाइस रेशो में बता चुका था कि कौन सी रेशो होती है, ये वो रेशो होती है कि जो पार्टनर जितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग करता है उसको उतना ज़्यादा शेयर मिलेगा और जो पार्टनर कम वर्किंग करता है, कम इन्वॉल्व होता है, उसका शेयर कम होगा। तो हम सेक्रीफाइस रेशो कैसे फाइंड करते हैं, सेक्रीफाइस रेशो देखो तो सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आपकी जो ओल्ड रेशो होगी आपने उससे न्यू रेशो आप उससे माइनस करेंगे तो आपके पास सेक्रीफाइस रेशो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए और बी दो पार्टनर हैं, ओल्ड रेशो की क्या है 2/3 and 1/3, इट्स मीन टोटल जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसके 3 शेयर होंगे, उसमें से एक शेयर बी को मिलेगा और 2 शेयर डबल उसका ए को मिलेगा। तो ये आपकी थी ओल्ड रेशो। अब न्यू रेशो क्या है, अब ए बी और न्यू पार्टनर है आपका सी, तो अब आपकी न्यू रेशो चेंज होगी 2/4, 1/4 and 1/4। क्यों 1/4, 1/4 and 2/4 हो गया, क्योंकि अब आपके पार्टनर 4 हो गए हैं, पार्टनर तो आपके 3 हो गए लेकिन रेशियोज आपकी 4 होगी। क्यों, कि 2 और 1, 3 इनकी रेशियो थी, अब इसकी एज इट इज़ 2 रेशियो है और बी की भी 1 है और सी की भी 1 है, तो 1, 2 and 2 इसके हैं तो 4, इट्स मीन पहले प्रॉफिट के 3 शेयर होते थे, ये लास्ट के 3 शेयर होते थे, उसमें 2 ए के होते थे और 1 बी का, अब लॉस या प्रॉफिट के 4 शेयर होंगे जिसमें 2 आपका ए लेगा और 1 बी और 1 सी लेंगे।
तो देखें ये अब आपकी न्यू रेशो है, ये आपकी ओल्ड रेशो है। अब कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो, हम सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करते हैं और सेक्रीफाइस रेशो दोनों ओल्ड पार्टनर के लिए हमेशा कैलकुलेट होती है, न्यू पार्टनर के लिए ये कैलकुलेशन नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड, क्योंकि मिलती ही आपका गुडविल जो ओल्ड पार्टनर को है, सी या नई न्यू पार्टनर आने वाला तो वो तो गुडविल पे कर रहा होता है और वो दोनों ए और बी या दोनों ओल्ड पार्टनर को ही मिलती है, दो ओल्ड पार्टनर है, थ्री ओल्ड पार्टनर है, जितने भी ओल्ड पार्टनर होंगे उनको ही मिलेगा उनकी सेक्रीफाइस रेशो के मुताबिक। हमारे पास ओल्ड पार्टनर कौन कौन से थे, ए और बी, हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी ओल्ड रेशो कितना था 2/3 और न्यू रेशो ए का कितना है 2/4। ये देखिए 2/3 ए का रेशो है और ए का न्यू रेशो कितना है 2/4, तो 2/3 माइनस 2/4। तो हम ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने इसका एलसीएम ले लेना है, तो 4 3 12, 4 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12, ये जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 आ गया। तो अब देखें, अब जब भी एलसीएम फाइंड करते हैं तो 3 4 12, 4 2 8, इसी तरह 4 3 12, 3 2 6, 8 में से 6 को लेस किया आपके पास 2 आ जाता है और 2/12 आ गया। तो देखें सेक्रीफाइस रेशो आपने फर्स्ट ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो ओल्ड रेशो 2/3 एंड 2/-2/4, तो देखें 3 4 12, 2 देखें डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर पर डिवाइड करेंगे और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 4 12, 4 2 8, इसी तरह 4 को 12 पे डिवाइड करें, 4 3 12, 3 2 6, तो देखें जो नीचे वाले डिवाइड जो है डिनोमिनेटर है उनको डिनोमिनेटर से डिवाइड करके आपके न्यूमिनेटर से ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 4 12, 4 2 8, 4 3 12 और 3 2 6, 8 में से 6 माइनस किया 2/12 आ गया। इसी तरह बी का देखें, बी का ओल्ड रेशो कितना है 1/3 और न्यू कितना है 1/4, सो 1/3 माइनस 1/4, 1/3 आपका कितना आ गया कि देखें इन दोनों को फिर 4 3 12, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, सो 4 3 12, 4 1 4 एंड 4 3 12, 3 2 4 4 4 4, आपने कहा कि यहाँ पे देखें 4 3 12, 3 2 6, ओके यहाँ पे हमसे जो देखा हमने कैलकुलेशन करे थे सेक्रीफाइस रेशो की, तो फर्स्ट हमने सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट की ए के लिए, अब हम बी के लिए कैलकुलेट करते हैं। बी का था 1/3 माइनस 2/4, तो 1/3 इसकी ओल्ड शेयरिंग रेशो थी और 2/4 इसकी, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे ए का कैलकुलेट किया, बी का कैलकुलेट करते हैं, तो बी का क्या है 1/3 इसका आप देखें तो ओल्ड है और 1/4 इसका न्यू है, तो जब 1/3 इसका ओल्ड है और माइनस 1/4 हमने करना है तो हमने फिर अगेन इसका एलसीएम ले लेंगे, सो 4 3 12, 12 आपके पास आ गया, सो 3 4 12, 4 1 4 एंड 4 3 12, 3 1 3, सो 4 में से 3 लेस करेंगे तो 1 आ जाएगा, सो 1/12 एंड 2/12 आपका क्या आ जाता है सेक्रीफाइस रेशो आ जाता है। इसको दोबारा देख लें कि आपने फर्स्ट क्या किया था कि आपने एलसीएम जो डिनोमिनेटर थे उसको आपने मल्टीप्लाई किया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 12 आ गया था, तो आपने फिर जो डिनोमिनेटर थे उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, सो 3 4 12, 4 2 8, 4 3 12, 3 2 6, सो 8 में से 6 माइनस किया आपने 2/12 आ गया था। सेम 1/3 माइनस 1/4, सो आपने कहा 4 3 12, 3 4 12, 4 1 4 एंड 4 3 12, 3 1 3, सो 4 में से 3 माइनस किया तो 1/12 आ जाता है। अब इनकी सेक्रीफाइस रेशियोज़ क्या होंगी, तो सेक्रीफाइस रेशियोज़ अगर आप देखें तो इनकी जो सेक्रीफाइस रेशियो हैं उनको अगर आप देखें तो उनकी सेक्रीफाइस रेशियो आपकी जो आती हैं वो आती है ए एंड बी के, ए की आपकी 2 है और बी की आपकी क्या है 1, तो 2:1 सेक्रीफाइस रेशियो, ए का कितना है 2 और बी का कितना है 1, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, सो 2/3 आपका ए का आ जाएगा और 1/3 आपका बी का रेशो आ जाता है। तो दोबारा देखें कि यहाँ पर आपने सेक्रीफाइस रेशो कैसे फाइंड किया, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो ओल्ड रेशो था 2/3 एंड बी का कितना था 1/3, इसी तरह ए का न्यू रेशो 2/4 और बी का न्यू रेशो क्या था 1/4, तो यहाँ देखें 2/3 माइनस 2/4 एंड 1/3 माइनस 1/4, आप जब फाइंड करेंगे तो ये 2/12 एंड 1/12 आ जाता है। तो देखें सेक्रीफाइस रेशो में ए और बी ने आपका क्या है, जबकि इनकी स्टार्ट जो आप ओपनिंग रेशो देखें तो वो भी इनका 2/3 और 1/3 ही था, इट्स मीन कि ये इनका जो सेक्रीफाइस रेशो है वो भी इनका सेम होगा, लेकिन ये चेंज भी हो सकता है क्वेश्चन में, आपको अगर इनका न्यू रेशो और चेंज हो और या आपका ओल्ड रेशो चेंज हो तो ये सेक्रीफाइस रेशो भी आपका चेंज हो सकता है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप इसको शेयर करेंगे, और आने वाले जो मेरे लेक्चर्स होंगे वो भी अब इसके बाद डेथ ऑफ पार्टनर रिटायरमेंट्स पे होंगे, और आपको इसी तरह जो है वो मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।